हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा सैनी आज आपको मिलवाने वाली हूँ CIPCC 2016 मई में ऑल इंडिया 39 रैंक हासिल करने वाले कृतिका अग्रवाल से। कृतिका, सबसे पहले आपको कांग्रेचुलेशन, आपने ये मुकाम हासिल किया है। थैंक यू वेरी मच। आपका सबसे पहले रिएक्शन कैसा रहा जब आपको पता चला कि आपको ऑल इंडिया रैंक 39 ये वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट? Actually, it was the day of 2nd of August 2016. I would just stick to my chair that, oh my god, result is coming. I was hoping result will attack jaye, aaye na, pani kuch bhi ho jaye, bas result mein aana chahiye, like that. But 2 baje aana tha, result 12 baje aa gaya. Mere friends wagera bole ki result aa gaya, check karo, but site as usual hang hoti hai. Jisko khola, maine dekha first group pass, second group pass, and I was like wonderstruck ki, oh my god, ye kya ho gaya? क्योंकि मेरा आईटी का पेपर एक्चुअली खुद ठीक ठाक हुआ था, कुछ ज्यादा मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं कितना मुझे पास हो गया, चलो ठीक है, अच्छी बात है। पर मैंने सोचा कि यार इतना आया है तो एक बार चेक करते कि रैंक है कि नहीं है। मैंने चेक किया तो आई सॉ AIR 39, देन माई रिएक्शन वॉज जस्ट वाओ, ये क्या हो गया, लाइक आई वॉज जस्ट डांसिंग होल द होल माई होम कि यार अभी देखो रैंक आया है, पापा रैंक आया है, इट वॉज अमेजिंग। तो एक तरीके से आईपीसी के रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट इसका बहुत कम लगा था सब देश, लेकिन आपने फर्स्ट अटैम्प में ऑल इंडिया 39 रैंक आपने ली, तो इसका एक तरीके से आप श्रेय किसे देना चाहेंगे? इसका श्रेय, एज यू सेड, हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड ट्रू एंड प्रॉपर गाइडेंस। सो माय पेरेंट्स, माय फैमिली, माय फ्रेंड्स एंड आल्सो माय टीचर्स एंड ऑल, सब लोगों ने, शर्मा सर ने सबसे ज्यादा उनका 99% पार्ट, आई थिंक यू उनका रहा है कि मेरा जो हुआ है, जो भी सक्सेस मेरा फैक्टर है वो शर्मा सर की वजह से। तो एग्जाम के लिए आपने कैसे प्रिपरेशन किया, आपका पूरा स्टडी शेड्यूल क्या रहता था, आपसे जानना चाहेंगे? जैसे CPT के रिजल्ट्स के बाद हम लोगों ने कोचिंग ज्वाइन किया, तब 7 hours की कोचिंग, बट घर पे जाकर शुरू में इनिशियली तो भी स्टडी लाइक 4 to 5 hours, बट जैसे जैसे मॉक टेस्ट का, क्योंकि सबसे अच्छी बात ये होती है यहाँ पर कि मॉक टेस्ट होते रहते हैं ड्यूरिंग द ईयर, सो दैट यू कैन प्रिपेयर व्हाट हैव यू कवर्ड इन द क्लास। सो उसके ड्यूरिंग हम लोग जो कवर कर चुके हैं उसका टेस्ट लेते थे, उसकी प्रिपेरेशन करो। तो दिसंबर 31st December को हम लोग का कोर्स ओवर हो गया था, तो 4 months वी गॉट टू रिवाइज द होल कोर्स, एंड ड्यूरिंग द 4 months 2 mock test series वर हेल्ड। सो देखा जाए तो हम लोगों का रिविजन 3 बार हो चुका था हर चीज़ का, हम एग्जाम देने से पहले 3 बार पूरा कोर्स कर चुके थे, तो इट वॉज नॉट क्वाइट टफ शेड्यूल, काफ़ी हेक्टिक रहता था, बट इट वॉज गुड कि उसी शेड्यूल के कारण हम लोग एग्जाम्स में अच्छा रहा। कृतिका, आपने कोचिंग कहाँ से की वो आप समझाना चाहिए? मैंने कोचिंग की विद्यासागर इंस्टीट्यूट, जो कि CA का सबसे अच्छा आफ्टर रिनाउंड इंस्टीट्यूट है। वहाँ पर एक्चुअली सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होती है कि यहाँ की प्लानिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, हर चीज़ प्लान तरीके से होती है। अगर हम कहीं और जाते हैं तो सुबह 6 से शाम को 6 बजे तक बच्चे कोचिंग करते रहते हैं, देन फेड अप हो जाते हैं वो इतना कि आगे उनमें इतना हिम्मत ही रहती है कि हम लोग पढ़ सके। उनका कोर्स फरवरी मार्च तक ही पूरे होते हैं, अभी एग्जाम्स में है ना, वो कोर्स फरवरी में मार्च में पूरा होता है, हाउ कैन यू रिवाइज 2 to 3 times। तो यहाँ पर कोर्स 4-5 महीने पहले हो जाता है, देन वी रिवाइज द होल कोर्स 3 times। ऑफ कोर्स दैट वाज द मेन फैक्टर दैट आई जॉइन BSI, द प्लानिंग, द शेड्यूल, एवरीथिंग इज बेस्ट टू पास CIPCC और एवरी एग्जाम इन फर्स्ट ईयर। स्टडी मटेरियल के अलावा आपने और कुछ रेफरेंस बुक्स भी और सेल्फ स्टडी पे कितना जोर दिया, वो ज्यादा? रेफरेंस बुक्स कुछ नहीं, अगर ICAI का स्टडी मैट और प्रैक्टिस मैन्यूअल होती है वी जस्ट फोकस अपॉन दैट, क्योंकि ICAI अगर दे रहा है तो उसी में देगा, हम किसी की बुक्स पढ़ लेंगे हमको मार्क्स नहीं मिलेंगे, बिकॉज उनको प्रॉम्प्ट एक्यूरेट आंसर नहीं होते, जो कि हम इंस्टीट्यूट की बुक से ही रेफर कर सकते हैं और कहीं से कुछ भी नहीं हो सकता। तो एक तरीके से आपने ऑल इंडिया 39 रैंक हासिल किए, तो लोगों की और जो जितने जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस और भी आपसे ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? एक्सपेक्टेशंस हैं, आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट कि फाइनल में भी ऐसा ही हो, मैं अभी भी ट्राई कर रही हूँ। अच्छा, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि आपको सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या था और किसको आप थैंक बोलना चाहेंगे कि आपने ऑल इंडिया रैंक 39 हासिल किए, वो भी फर्स्ट टाइम में? स्पेसिफिकली अगर मैं किसी को थैंक्स बोलना चाहती हूँ, ऑलरेडी सेड दैट शर्मा सर वॉज द मेन मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी, जब भी मैं कभी डाउन होती थी कि नहीं अभी हो पा रहा, बिकॉज आपका शेड्यूल इतना हेक्टिक हो जाता है कि आप कभी कभी डाउन हो जाते हैं कि नहीं हो पाएगा, ये इतना सारा कोर्स है, लाइक दैट, बट शर्मा सर हमेशा सपोर्ट करते थे ड्यूरिंग, कभी भी प्रिपेरेशन करते थे, लाइक मॉक टेस्ट होते
तो उसमें भाई नंबर कुछ मार्क्स ठीक नहीं आया था, ऊपर नीचे हो गया, तो पूरी शीट को एनालिसिस भी करते थे कि आपने यहाँ पे ये गलती की है, अगली बार ये मत करना। ये सारा एनालिसिस उनके थ्रू हो रहता था कि आपने ये गलती की है, ये सब चीजें करते हैं। तो भी मान लीजिए किसी का किसी स्टूडेंट का फर्स्ट पेपर गिर गया, हाँ, तो दोबारा कैसे खुद को वापस मेंटली स्ट्रांग करें और कैसे एग्जाम को लेकर खुद को फोकस करें, आपको कोई पर्सनल एक्सपीरियंस? मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मेरा फर्स्ट पेपर बिगड़ा था, अकाउंट्स का था, जो कि बिगड़ा था बुरी तरह से। मुझे ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और अकाउंट्स में 11 से बढ़ते आए, तो काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी खुद से कि हम अच्छा कर पाएंगे, बट वो बिगड़ गया। सो आई वॉज लाइक कि यार फर्स्ट पेपर बिगड़ गया, अब पता नहीं आगे गए, जब अकाउंट्स ही नहीं हो पाई तो और कैसे हो पाएगा। रवि शर्मा सर का फोन आया कि कैसा पेपर हुआ है, मैंने बोला सर बेकार हुआ है, सर बड़ी चिंता मत करो सबका बेकार हुआ है, सब सब तुम अगर तुम्हारा अच्छा नहीं हुआ तो उसका मतलब किसी का भी अच्छा होना। ही इंस्पायर्ड मी, ही मोटिवेटेड मी कि चलो ठीक है ये भी कर गया ना, आप चिंता मत करो उसकी, अगले पेपर की पूरे जी जान से तैयारी करो। ही ऑलवेज ड्यूरिंग एग्जाम टाइम यूज टू कॉल मी आफ्टर एवरी पेपर, आफ्टर एवरी मॉक टेस्ट, कैसा हुआ, क्या प्रिपरेशन चल रहा है, कितना कवर हो गया, कोई हेल्प चाहिए तो बता दो। आखिरी सवाल है आपसे कि अब उन स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या कुछ उन्हें कहना चाहेंगे जो अभी सीपीटी या फिर आईपीसीसी की तैयारी कर रहे हैं? जो स्टूडेंट्स सीपीटी आईपीसीसी या सीए में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मेरा मैसेज यही होगा कि कभी भी डिमोटिवेट ना हो, क्योंकि एग्जाम्स इतने हार्ड भी नहीं है जितने हम उनको बना लेते हैं। हमको चाहिए सही गाइडेंस चाहिए, और ऑफकोर्स हार्डवर्क सभी करते हैं पर रिजल्ट सभी को नहीं मिलता, दैट हार्डवर्क नीड्स टू बी स्मार्ट वर्क। हम पागलों की तरह लग रहे हैं, बुक्स में घुसे पड़े हैं, सब कुछ उससे नहीं होगा। आपको सिस्टमैटिकली प्रिपेयर करना होगा कि ओके मुझे ये टॉपिक 15 मिनट में कवर करना है तो मुझे 15 मिनट में ही कवर करना है, सो दैट यू हैव टू बी हैबिचुअल फॉर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स। कि अब एग्जाम में मुझे ये आंसर लिखना है तो मैं 10 मिनट में ओवर हो जाना चाहिए। वी हैव टू सेट अ टाइम फ्रेम कि मुझे 10 दिन में ये सब्जेक्ट में इतने 5 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, मुझे किसी भी हालत में करना है, उसी तरह से वर्क करना चाहिए। फिर हमारे माइंड को, हमारे हाथों को आदत हो जाए कि येस वी आर गिविंग द एग्जाम्स। एंड सबसे बड़ी बात बीएसआई में यही है कि हम मॉक टेस्ट देते हैं तो हम 3 बार एग्जाम्स लिख चुके होते हैं, तो हमारा ऐसा हो जाता है कि हाँ एग्जाम दे रहे, तो वो एग्जाम फोबिया जो नाम की चीज़ है दूर हो जाती है कि चलो यार 3 बार दे लिया वो क्या देंगे, हम इतने क्वेश्चंस कवर कर चुके होते हैं कि वहाँ पर बैठते हैं हॉल में तो कुछ नया रखते हैं, लगते हैं हाँ ये तब किया था, तब किया था, तो हाँ तो कुछ जब कुछ नया ही लगता है तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि ये क्या हुआ ये मैं कर सकती हूँ, तो एग्जाम हॉल में पैनिक नहीं हो पाते आप सही रहते हैं। तो हमको एक टाइम फ्रेम सेट करना होगा हमारे लिए कि इतने टाइम फ्रेम में सब कुछ पूरा करना है, तो आप सब कुछ कवर कर लोगे, लेकिन अगर आपने टाइम लिमिट सेट नहीं किया है तो शायद सक्सेस नहीं मिल पाएगा। यू हैव टू सेट अ टाइम लिमिट। थैंक यू कृतिका फॉर जॉइनिंग अस।